हुजूर को दफन करके लौटे, तदफीन से फारग हुए, कब्र मुबारक में उतारा, हुक्म पूरा किया। कहते हैं वापस आए तो जनाबे अंस से सैयदा फातिमा कहने लगी, अंस तूने भी मेरे रसूल पे मिट्टी डाली है, अंस तेरी जरूरत हो गई थी। फरमाते उस वक्त फातिमा का पहला आंसू गिरा और फिर 6 महीने हुजूर के बाद हयात रही, मैंने उसके आंसू ही गिरते देखे। लोग सो जाते, वो हुजूर के रोजे पे जाके बैठ जाती। कहते मैं समझाता बहलाता, लेकिन फातिमा कहती अली सबर अपनी जगह, कर्म अपनी जगह, और मैं तुझे क्या बताऊं, बहन भाई पहले सारे चले गए, वालदा पहले छोड़ गई, अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी पर्दा डाल लिया है, मुझे चाह और जानिब कुछ दिखाई नहीं देता। कहते 6वां महीना था हुजूर के विसाल को। एक दिन मुस्कुराती हुई फातिमा घर आई रोजे से रात को बच्चों के साथ, तो शेर खुदा कहने लगे, मैंने कहा फातिमा बड़े दिनों के बाद मुस्कुराते देखा, क्या बात है? तो कहने लगी, अली आज मेरी आंख लग गई थी, मुझे हुजूर ख्वाब में मिले हैं। तो मुझे हुजूर ने कहा है, तू रोती क्यों है? तो मैंने कहा महबूबा मेरा दिल नहीं लगता। तो फरमा बेटी तैयारी कर, तू मेरे पास आने वाली है। हजरत अली फरमाते बस फातिमा बीमार हुई, चंद दिन गुजरे तो मुझे बुलाया, वो कहने लगी अली वक्त जाने का आ गया है। ये अली के घर की है इज्जत अली से सुनते, नबी के घर की है इज्जत नबी से सुनते, वो जिसने मुअज्जज किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को, जाने का वक्त आ गया है अली। पहली बात तो यह है कि हुजूर की नवासी जनाबे उमामा से शादी कर लेना, वो हुजूर को बड़ी प्यारी है। और दूसरी बात यह है कि मेरे हसन हुसैन इनका खास ख्याल रखना। और तीसरे लफ्ज कहे तो हजरत अली तड़प के रोए, कहने लगी मैंने वक्त गुजारा है, आपकी हुकूक मेरी जिम्मेदारी थे, मैं इंसान थी भूल जाती थी, अगर मुझसे कहीं कोई कमी रह गई हो तो मुझे रज़ाए इलाही से दरगुजर करना, कहीं मैं हुजूर के सामने जाके शर्मिंदा ना हो जाऊं। शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम फरमाते, मैंने हाथ थामा और मैंने कहा फातिमा अली का बड़ा मर्तबा था, पर जो तेरी निस्बत से कमाल था वो तेरा ही था। तू कैसी बात करती है, तूने तो हद कर दी, शहजादी होके मेरे घर में खादिमों की तरह रही। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला ना का दूसरा हुक्म ये हुआ कि मुझे रात को दफनाया जाए। और फरमाया मेरे पहले मदीने में ऐसा नहीं होता था, ये हजरत फातिमा ने सबसे पहले कहा। फरमाया मेरी चारपाई के साथ लगा के ना शाखें, चारपाई के साथ तो ऊपर ला के उन्हें ऊपर से बांध देना, और उन शाखों के ऊपर एक कपड़ा डालना, मेरे कफन पर भी किसी की नजर न पड़ जाए।